नमस्कार साथियों, मैं हूं कमल शर्मा राही और आप देख रहे हैं डाइट पार्टनर द्वारा संचालित YouTube चैनल डाइट एजुकेशन पार्टनर। जी हां, हम बात करेंगे क्लास 12 के हिंदी अनिवार्य की और हिंदी अनिवार्य की किताब सृजन। सृजन का पद्य खंड था। पद्य खंड में हमने संत वाणी ली थी। संत वाणी के तहत हमने कबीरदास जी को पूरा किया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको तुलसीदास जी की जीवन परिचय के बारे में बताया था। मैं सिर्फ कुछ ही क्षणों में उस जीवन परिचय को रिकैप करता हूं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था और उनका निधन 1623 में हुआ। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। तुलसीदास जी का बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया और उनकी गुरु नर हरिदास के शरण में रहिए और वहीं से उन्होंने सनातन धर्म की शिक्षा प्राप्त की। कहते हैं कि तुलसीदास जी के जीवन में उनकी पत्नी रत्नावली का बहुत बड़ा योगदान था और रत्नावली की प्रेरणा और अपने गुरु नर हरिदास की प्रेरणा से वे राम भक्ति की ओर अग्रसर हुए और उनकी रचनाएं जो है राम भक्ति को प्रेरित रचनाएं हैं। मैंने आपसे कल अर्ज किया था कि अवधी खड़ी बोली ब्रज बोली में उनकी रचनाओं की अधिकता है और उनकी रचनाओं में रस अलंकार छंद और काव्य सौंदर्य भाषा सौंदर्य का विशेष योगदान है। उनकी रचनाओं में इस बात को विशिष्टतम योगदान दिया गया है कि उनकी रचनाएं काव्य बोध काव्य सौंदर्य बोध की ओर अग्रसर है। आज उनकी कुछ पद पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा बताता हूं मध्यकाल के भक्तिकालीन संत परंपरा के ये विशिष्ट कवि रहे हैं और इनकी रचनाओं में रामचरितमानस विनय पत्रिका कवितावली गीतावली दोहावली श्री कृष्ण गीतावली जानकी मंगल पार्वती मंगल भैरवी रामायण वैराग्य संदीपनी हनुमान बाहु और रामलला नरछु इनकी प्रमुख रचनाएं थी। आज हम इनके कुछ पदों को पढ़ेंगे हमारे इस सेशन में। देखिए एक एक और उसके अर्थ को देखने का कोशिश करिएगा। मैंने विस्तार से लिखने की कोशिश की है और हम इसके अर्थ और भावार्थ को समझेंगे, इसकी सप्रसंग व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। पहला दोहरा लीजिए, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह सक दुख रूप ते किमी जान ही रघुपति मूड पड़े सब। यहां भगवान राम को प्राप्त करने का एक तरीका बताया है, अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम को कौन लोग प्राप्त कर सकते हैं कौन लोग प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात नहीं है। इन्हें कहा है काम कामना बुरी भावनाएं वासनाएं क्रोध मद गबन लोभ रक्त यानी समाय हुआ। जो व्यक्ति काम क्रोध मद लोभ और घमंड में समाया हुआ है व्यस्त है या फिर ग्रह सकते है दुख रूप जीवन में दुखी होने के कारण भी यही है। ग्रह सकते अपनी ग्रस्ती के मोह माया रूपी जाल में फंसा था। जो व्यक्ति काम या वासनापूर्ण भावनाओं में लिप्त है, जो व्यक्ति क्रोध मद घमंड में व्यस्त है या ग्रह कार्यों में व्यस्त है अपनी ग्रस्ती तक सीमित है वह कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। ते किमी जान ही रघुपति मूड पड़े सब। क्या बात कही देखिए, ये कह रहा है कि रघुपति को प्राप्त करना राम को प्राप्त करना इन लोगों के लिए बस की बात नहीं है, ये मूड है अज्ञानी है और सब अज्ञान रूपी कुएं में समाये हुए हैं। तुलसीदास ने बहुत बढ़िया बात कही है। ये भी कह रहे हैं कि इन व्यक्तियों को कभी भी जो ग्रहशक्ति में जो लोभ में मद में घमंड में अहंकार में काम में समाये हुए उन्हें किसी भी प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो एक गहरे कुएं में समाये हुए हैं। दूसरे देखते ये दोहा या ये पद आपने बहुत पहले भी पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है। कैवे को रचना रची कैवे को रचना रची सुन में कह दिए कान
धर्मे का चित हित सहित परमार्थ की सुझा। देखिए बहुत बढ़िया बात कही है तुलसीदास जी, कहते हैं कि ईश्वर ने हमें जो बनाया है, हमारी बनावट या हमारे अंगों को किस प्रकार से बनाया, कई में को रसना रसनी। तुलसीदास जी कहते हैं अच्छा बोलने के लिए ईश्वर ने हमारी जबान की रचना की है। हमारी जबान जो है वो अच्छा बोलने के लिए रची गई है। सुनने को दिए कान और अच्छा सुनने के लिए ईश्वर ने हमें कान दिए हैं। अच्छा बोलने के लिए जबान दी है और अच्छा सुनने के लिए कान दिए हैं। यह अच्छा का मतलब होता है संतवाणी, अच्छी चीजें, धर्मे को चित हित सहित और ईश्वर के रूप को, ईश्वर की वाणी को, ईश्वर के वचनों को, सत्य वचनों को धारण करने के लिए हमें चित दिया है, मन दिया है और परमार्थी सुना। और ये शरीर जो दिया है ना हमें परमार्थ के लिए दिया है, दूसरों की भलाई करने के लिए दिया है। तुलसीदास जी की भक्ति के जो दोहे बहुत ही अच्छे दोहे, राम को समर्पित दोहे, तो दोनों भाव को देखकर अच्छी तरह से काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह सक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति परे सब कूप। किमि जानती, कैसे जानती हो, ये कह रहे हैं। एक आप देखे जो व्यक्ति काम क्रोध मद लोभ मोह और ग्रह सक्त में दुखी है, वह व्यक्ति एक अंधकार रूपी कुएं में समाया हुआ है, वो भगवान राम को प्राप्त की नहीं कर सकता। और दूसरे में कहा गया है कि ईश्वर ने हमें अच्छा बोलने के लिए, सब वचन बोलने के लिए जीवन दिए है और अच्छा आया सब वचन सुनने के लिए कान दिए है और ईश्वर के वचनों को, ईश्वर की वाणी को धारण करने के लिए चित दिया है और परमार्थ करने के लिए ही ईश्वर ने हमारी रचना की है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छे हैं दोनों ही पद। तुलसी बले सुसंग दे कोच कुसंग गति सोए नाउ किनरी तीर असी। एक एक शब्द बोलेगा लो बिल के उली, नीति का दोहा है। यहां कवि तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी बले सुसंग, तुलसीदास जी कहते हैं सुसंग अच्छी संगति भली होती है। अच्छी संगति सदैव अच्छी होती है, वो हमारे जीवन निर्माण, हमारे चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण होती है। पोच, पोच राशि शब्द है पोचा, बुरा खराब। तो सुसंग और पोच, भलो और पोच दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लोग सुनते हैं भलो और पोच। पोच कुसंगति सोए, और कुसंगति होती है ना वो बुरी होती है। देखिए कल भी हमने एक कबक लिया था कि जब लोहा पारस के संग जाता है तो वह भी सोना बन जाता है। तो यहां देखिए तुलसी बलो सुसंग दे पोच कुसंगति सोए। तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छी संगत में रहना जो होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार देता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को अच्छा बना देता है और कुसंगति होती है ना वो हमें बुरा पड़ता है। अर्थात हमारे जीवन में संगत का बहुत बड़ा असर होता है। कदली सी भोजन एक कुंडमुक्ति, तो वो जो दोहा था इनका वहां भी देखिए तो यहां कोई बिल्कुल वही भाव है। तो ये कह रहे हैं कि संगति हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। जैसे उदाहरण दिया है नाउ किनरी तीर असी। अब चाहो शब्दों का देखिए नाउ यानी नाव जो लोह से बनती है, किनरी किनरी बोलते हैं छोटी वीणा को, किनरी एक प्रकार की वीणा का एक रूप है, वीणा होते हैं बजाते वो वीणा का एक रूप है किनरी। तीर का जानते हो बाण, असी का जानते हो तलवार,
लो अपनी पूर्ण लोई। ये सभी चीजें लो से बनी होती है, लोहे से बनी होती है, लेकिन देखिए नाव और किल्ली दोनों का, दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों ही सुसंगति के समान है। नाव लोगों के कल्याण के लिए काम आती है और वीणा अच्छे स्वर की उत्पत्ति करती है, और तीर असी तीर हानि पहुंचाता है, व्यक्ति को नुकसान करता है, मारता है, असी तलवार भी बंद करने के काम आती है। नाव और किल्ली अच्छे काम के लिए अर्थात सुसंगत का उदाहरण है, और तीर और असी जो है कुसंगत का उदाहरण है। चारों चीजें लोहे से बनी है साथियों, चारों में फर्क है। दो जो है उनकी अच्छी प्रकृति का है और दो जो है पूरी प्रकृति के है, लोभ लिखित एक ही लोहे से बनी हुई चारों चीजें अपनी अलग अलग प्रकृति को बयां करती है। आते हैं आज के अंतिम पद पर, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुगंग समान, सुख संग अच्छी संग के, राम कृपा तुलसी सुलभ। राम की जो कृपा है ना, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा जो है सुसंग है, राम की मेहरबानी, राम का आशीर्वाद एक सुसंग के समान है। गंगा सुसंग समान, गंग कहते गंगा, तो राम की कृपा जो तुलसीदास जी कहते हैं गंगा के समान है, गंगा की भी सुसंगति होती है उसी प्रकार से। जे जल परे ते जल मिले, जे जल परे जो जल मिले, जग और जल तो अलग अलग, कीजिए आप समान सुलभ यानी सहज आसान, आप समान अपने समान। तो ये कह रहे हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा गंगा के सुसंग के समान है। जैसे गंगा का जल किसी भी जल में मिल जाता है, वह भी गंगा जल बन जाता है, यानी गंगा नदी में आकर के जो जो नदियां समा जाती है उनका स्वरूप भी गंगा नदी के समान हो जाता है। कवि कहना ही चाहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, गंगा के समान होना चाहिए, ताकि उसके अंदर बुराई भी समाए ना तो वो भी पवित्र हो जाए, वह भी गंगा का रूप ले। बहुत ही बढ़िया बात कही थी आपने आज तुलसीदास के चार लघु पदों को पढ़ा आपने, और चारों का अर्थ अच्छी तरह से समझा, उसकी व्याख्या समझी, उसका अर्थ और भावार्थ समझा। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे तुलसीदास के अगले पदों को लेकर के, आपसे अनुरोध है तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल, और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और हमारे नए वीडियो आप तक पहुंचकर आपको लाभान्वित करते रहे। तब तक के लिए नमस्कार, विदा।